एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका व्लॉग में। नया दीदी अबू के लिए फूल लेके आए हैं। सो क्यूट, इसकी स्वेटशर्ट के साथ मैच कर रहा है ना, इसलिए मैंने वाला। ओके, नो, इससे फेंक दिया। आप मम्मा को दे दो। कितना क्यूट फ्लावर दिया है नया दीदी ने मम्मा अबू को। अबू किसको देगा? मम्मा। किसको दोगे? मम्मा। दो। थैंक यू। तो आज आपने जो ब्लॉग में देखा है अभी, वो जो लोग आए थे, वो आए थे हमारी गाय को लेने। मतियाना से आए थे लोग। क्या कर रहे हो आप दोनों क्यारी में? बच्चे, फाइनली हम लोग आ गए हैं नीचे और अभी शाम का टाइम है। इधर है ऐसा, बहुत ज्यादा हवा चल रही है एंड हाइट में तो आई थिंक स्नोफॉल हो रही होगी। तो ये सारे कपड़े उठाने हैं और ये जो आप पेड़ देख रहे हो, इससे ये कैम्टू निकालने हैं मुझे, किसी को देने हैं। चाचू जी आएंगे लेने, तो उसके लिए मुझे ये निकालने पड़ेंगे नीचे जाके। फटाफट से पहले कपड़े उठाते हैं। अच्छा, बैग इसमें लेके आऊंगी मैं कैम्टू। जैसे आबू चिल्ला रहा है और यहाँ का रास्ता देखिए जरा कितना खतरनाक है। आपको शूज पहन के आना पड़ेगा। तो आ गए हम खेत में और अब निकालने पड़ेंगे हमें थोड़े पके पके से कैम्टू। बोदर कैम्टू है ये। दादी, अच्छा तो दादी ने मुझे दिखा दिए, यहाँ पे बड़े सारे इकट्ठे हैं। ओ वाओ, इनसे निकालते हैं। तो 10-12 तो मैंने निकाल दिए, थोड़े से और निकाल देते। बैग हो गया फुल और मेरा कंधा टूटने वाला है, बहुत हैवी हो गया ये बैग। यहाँ ऊपर मुझे, मैं सोचू 4-5 और निकाल ही देती हूँ। अब जब नीचे आ ही गए हैं, चलिए वापस चलते हैं। मेन टास्क होगा ना, वो है गाय को अंदर करना। तो मुझे और दादी को करना पड़ेगा, पहले पानी देना है फिर गाय को अंदर करना है, क्योंकि संतोष भैया आज है नहीं और ना मम्मा है ना संतोष भैया है, तो हम लोग को ये करना पड़ेगा। तो मैं, दादी एंड आवू है, देखते हैं हम लोग से गाय अंदर होती है कि नहीं होती है। आवू देखिए वहां पे,
टू एंड यस अपडेट, जो लोग गाय लेने आए थे उन्होंने गाय नहीं ली आई थिंक, क्योंकि हम लोगों को गाय इतनी प्यारी है तो वो भी नहीं चाहती थी कि जाए, इसलिए वो लोग गाय लेने नहीं आए वापस। अच्छी बात है, प्यारू सी गाय यही है। बच्चू को तो दादी ले भी गए अंदर, आ गए यहाँ पे, बैग भी रख देते हैं यहाँ और अब चलते हैं दादी की हेल्प करने गाय को अंदर करने में। चेंज माई शूज क्योंकि चप्पल से बात नहीं बनेगी गाय के पास। तो हमने क्या कर दिया, पहले बच्चू को अंदर रख दिया, अब ये गाय रुक नहीं रही है, इसको भी बच्चू के साथ अंदर जाना है। अंदर से बच्चू बोल रहा है और यहाँ पे गाय, और अब वो कह रहा है घास का घास का। उसको अपने बेबी के पास जाना है, घास नहीं खाना। यहाँ से देखना ठीक है, आगे मत आना, गाय आ रही है अभी। दी गाय को वहां से खोल रहे और मैं, मुझे यहाँ पे खड़े रहना पड़ेगा ताकि ये अंदर जाए, उसको रोकना मुश्किल है। अब वो आप यही रहो, आप हटो, गाय आ गई। वो देखो सीधे अपने बेबी के पास गई अंदर ना, उसको घास आप यहाँ रख दो, घास रोल नहीं हो रहा भाई, उसको घास खिलाना ही है। ये देखो कैसे बात कर रहे हैं बाहर से और अंदर से। अब वो भी इनकी मिमिक्री कर रहा है, कैसे बोल रहा बच्चू, तो अब रह गई हमारी एक गौ माता बाहर और एक बच्चू यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा घास ला रहा है और यहाँ पे इसको दे रहा है। अब वो अब मत लाओ, गाय आने वाली है, एक और गाय आने वाली है अंदर। हटो हटो हटो, गाय आ गई देखो आगे से, वो देखो कैसे अपने बेबी से मिल रही है। आहा। अब वो has got no chill। जब तक आपको गाय ने सींग नहीं मारा आप नहीं हटोगे। ये देखो आपको देख रही है गाय, अब वो आपके पास आ गई है, जाओ अंदर जाओ। पीछे से उसका बच्चू भी अंदर गए ना, सब अपने घर में अपने रूम में चले गए अंदर। देखो अबू को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अबू कहाँ गए, सब अंदर, सब सब। ए भी सब अंदर चले गए, अबू सब अपने अपने रूम में चले गए। देखो अपनी अपनी पोजीशन। फाइनली हम लोग गाय को अंदर करने में हुए सफल। अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो खड़े हो गए फिलहाल, मेरे को ये बैग लेके दौड़ना पड़ेगा सड़क तक क्योंकि वहां पे चाचू वेट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।